नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत करता हूं मैं आप सभी दर्शकों का इस चैनल के ऊपर। विशेष तौर पर मैं आभारी हूं उन सभी दर्शकों का जो हमारे साथ सालों सालों से जुड़े हुए हैं। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा उन सभी नए दर्शकों का जो हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं या फिर आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपकी राशि के लिए लाए हैं जनरल ट्रेंड्स इस महीने के, उसके साथ साथ शिक्षा, धन, व्यापार, व्यवसाय, रोमांटिक लाइफ, वैवाहिक जीवन, सेहत और अंत में एक या दो महत्वपूर्ण टिप्स इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए। अब राशिफल शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा हम नजर डाल लें जल्दी से इस महीने ग्रहों के गोचर का, जो कि आपकी कुंडली के ऊपर हो रहा है। मंगल इस महीने की 7 तारीख को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में स्थित उच्च के सूर्य भी 15 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध 3 मई को गोचर करेंगे जब वह मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे और 18 मई को फिर मेष राशि से वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्र भी गोचर करेंगे 10 मई को जब वे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पूरा महीना मिथुन राशि में रहेंगे। ये आपकी कुंडली का नवा भाग है जिसको आप किस्मत का घर भी बोल सकते हैं। इसी तरह से केतु आपके तीसरे घर में रहेंगे जिसे आप बोलचाल और हिम्मत का घर बोल सकते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति पूरा महीना वक्री होकर वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसी तरह से शनि भी वक्री रहेंगे और वह पूरा महीना धनु राशि में रहेंगे। अब समझते हैं कि ग्रहों के इन गोचर का और आपसी कॉम्बिनेशन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जनरल ट्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि महीने की शुरुआत में 3 ग्रह आपके छठे घर में है और 1 ग्रह आपके 8वें घर में है, तो भाई शुरुआत तो आसान होने वाली नहीं है या हम ये कहेंगे कि ये समय अनुकूल नहीं है। आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ पहलू ठीक ठाक चलेंगे और कुछ पहलुओं में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं वह पहलू कौन कौन से हैं। इस महीने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि धन का आना जाना रेगुलर ही दिखाई दे रहा है। इसमें कोई बढ़ोतरी का वायदा नहीं है क्योंकि इस महीने तुला राशि के जातकों के लिए कॉम्बिनेशन कोई बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, नहीं दिखाई दे रहा है। आपका जो भी पेशा, आपका जो भी प्रोफेशन, आपका जो भी व्यवसाय है, आपको इस समय बहुत ध्यान देना होगा कि बहुत अधिक खर्चा ना करें और थोड़ा सा धन उन दिनों के लिए बचा के रखें जब मुश्किलें आ सकती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि सेव सम मनी फॉर द रेनी डेज। खास तौर पर वह लोग जो कि कला, संगीत, नाटक, फिल्म मेकिंग या फिर पेंटिंग, मूर्तिकला आदि से संबंधित हैं, उन्हें तो नाजुक समय के लिए आज से ही और अभी से ही थोड़ा सा धन अलग कर लेना चाहिए। यदि आप सरकार से कुछ लाभ पाने की इच्छा रखते हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं या और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी सरकार के प्रोसीजर थे वो पूरे कर लिए हैं, तो आपने जो भी फॉलोअप करना है या जो भी बचा हुआ काम है उसको 12-13 तारीख के आसपास कर लीजिए, तभी ही आपको अनुकूल रिजल्ट मिल सकते हैं, नहीं तो 15 तारीख के बाद निराशा हाथ में लग सकती है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि आपने जो एप्लीकेशन देनी है, किसी ऑफिसर को, किसी बड़े ऑफिसर को मिलना है, वो आज से और अभी से ही कर लीजिएगा। ये महीना कुल मिलाकर जो लोग जॉब में हैं उनके लिए तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो इसकी प्रशंसा और इसके फल आपको एकदम से इस महीने नहीं मिलेंगे, परंतु आगे चलकर जरूर मिलेंगे। और इसके ठीक विपरीत, अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो भी आपको कोई आकर कहने वाला नहीं है कि भाई उठो थोड़ा काम तो कर लो। इसलिए आपको अपने फ्यूचर करियर को ध्यान में रखते हुए
अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए और अच्छा करते रहना चाहिए। इसी विकल्प को ही चुनिए, ना कि एक आप न्यूट्रल या एक नेगेटिव मोड में चले जाएं। इन दिनों आप कई पढ़े लिखे समझदार विद्वान और कुशल लोगों के संपर्क में आने वाले हैं, ऐसा ग्रहों का संकेत है। आप उनसे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ना केवल आप प्रोफेशनल गेन पा सकते हैं, प्रोफेशनल लाभ पा सकते हैं, परंतु आपकी निजी जिंदगी में भी आप बहुत सारे अच्छे अनुभव उनसे ले सकते हैं। आप में से कुछ जातक लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं आपको पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की ओर ले जाएंगे। कुल मिलाकर प्रोफेशनल एक्टिविटीज से भरा हुआ ये महीना होगा और आप उसको क्या डायरेक्शन देते हैं ये आप पर निर्भर करता है। हो सकता है कि घर में हर चीज बहुत ही सुचारू रूप से ना चल रही हो, और इसका हिंट मैंने इस वीडियो के शुरू में ही दे दिया था और इसके कारण भी आपको मैंने समझा दिए थे। इसलिए आपको चाहिए सजग रहें। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि मतभेद आ रहा है तो आप उसको वहीं पे समाप्त करने की कोशिश करिए, और इसके लिए जरूरी है कि आपका दिमाग हमेशा ठंडा रहे और आपकी वाणी से शहद टपकना चाहिए। अगर आप भी उस आग में कूद गए तो फिर उस चीज को कौन ठीक करेगा, आप तो समझते ही है ना। मैं इस चीज में थोड़ा और अधिक कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि बड़े थोड़े से रिजिड हो जाएं, यानी कि अपने व्यवहार में थोड़े से अड़ियल हो जाएं, और इसी तरह से घर के बच्चे भी हो सकता है कि बड़ों की बात ना सुने या उनका कहे को अनदेखा कर ले। ऐसे में आप विचलित ना हो, घबराए नहीं, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आप अपने प्रयास जारी रखें, आप मीठा बोलते रहें। जब निकट भविष्य में सही समय आएगा तो आपका शालीन और सुलझा हुआ व्यवहार ही इस तनाव को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, ये एक राशि के लिए होता है, और अगर आप और भी ज्यादा सटीक अध्ययन चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली हमें दिखानी होगी। आपकी कुंडली को देखने के लिए हम देखेंगे कि दशा सिस्टम क्या चल रहा है, ग्रहों का गोचर कैसा है, ग्रहों का बल कैसा है, अष्टक वर्ग कैसा है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा करने से हम आपके बारे में बहुत ही सटीक और गहरा अध्ययन कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या समस्याएं अगर आने वाली हैं तो उनका क्या समाधान हो सकता है। आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब कुछ अच्छी बात करते हैं। ग्रहों के गोचर को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने प्यार आपके जीवन में भरपूर होगा। यदि पूरा महीना नहीं तो कम से कम महीने के पहले पखवाड़े में आप अपने साथी के साथ एक अच्छे प्रेम संबंधों का आनंद ले सकते हैं। ये प्यार आप दोनों द्वारा महसूस किया जाएगा, और ये प्यार चाहे आप शादीशुदा हैं, रिलेशनशिप में हैं, या अभी अभी सिंगल से आप एंगेज हुए हैं किसी के साथ, आप सभी महसूस करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रहों का कॉम्बिनेशन कह रहा है। ग्रहों के एक विशिष्ट संयोग के कारण यह आपके शैक्षिक गतिविधियों के लिए यानी कि एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए एक बहुत ही व्यस्त महीना होने जा रहा है। खास तौर पर अगर आप अपने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप पाते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स बहुत ही इन्वॉल्विंग हैं, बहुत ही रुचिकर हैं, तो आप नेचुरली और अधिक मेहनत करेंगे। तकनीकी छात्र और ह्यूमैनिटीज के छात्र, आप दोनों ही स्ट्रीम के छात्र अपने अपने विषयों में अच्छा करेंगे, ऐसा मेरी आपकी कुंडली को देखकर कहना है। आप न केवल अपनी पढ़ाई मेहनत से करेंगे और एंजॉय करेंगे, बल्कि आप कक्षा में दूसरे छात्रों का भी सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। यदि आप में से वह लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा दें तो आप भी सफल हो सकते हैं। जहां तक सेहत का सवाल है, मई 2019 का महीना बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहने वाला है, ऐसा मुझे डर है। आपको अतिरिक्त ध्यान रखना होगा और सभी तरह की सावधानियां बरतनी होंगी।
संभवतः अत्यधिक थकान के कारण आपको सामान्य कमजोरी हो सकती है या कुछ नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपने वर्क स्केड्यूल को यानी कि आपके जो टाइम टेबल है उसको दोबारा से बनाना होगा, जिसमें काम तो आपका पूरा हो जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऑफिस का काम, आपके पर्सनल काम तो सारे होते चले जाएं, पर शायद आपको मेहनत, आपको एग्जर्शन थोड़ी सी कम करनी पड़े, ऐसा आपको कोई प्रबंधन करना पड़ेगा, ऐसी कोई मैनेजमेंट की टेक्निक जैसे कि डेलीगेशन है उसके अपनाना पड़ेगा। जीवन शैली का बदलाव, कामकाज की स्मार्ट प्लानिंग आपको राहत दिलवाएगा, खासतौर पर उन जातकों को जिनको पीठ दर्द की शिकायत रहती है या पेट के आसपास जो हमारे अंग हैं उनसे लेकर कोई पुरानी हिस्ट्री है। इसलिए अपना ध्यान जरूर रखें और डॉक्टरी सलाह समय समय पर लेते रहें। अगर आप रेगुलरली जिम जाते हैं या आप कुछ एक्शन स्पोर्ट्स में हैं तो आपको इस महीने खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि भारी वजन उठाते समय या कोई और गलत पोस्चर अगर आपने ले लिया है तो उससे कोई चोट लग सकती है, कोई खिंचाव आ सकता है। इसलिए इस महीने अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस माह के अपने राशिफल को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था आपकी राशि के लिए इस माह का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित और भी लाभकारी जानकारियां पाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com पर जा सकते हैं और अपने मनपसंद आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी देर ना करें। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले निशान को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद और मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरी शुभकामनाओं सहित कि ये महीना आपके लिए बहुत ही मंगलमय और शुभ हो।